पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ है हवाले से बहुत सारी लोग मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे लगा रहे हैं कि दोनों सियासी जमातें जो बड़ी सियासी जमातें हैं ये कब तक इकट्ठी मिलकर चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ है मरकज़ की सतह पर और इसी तरह से यहाँ पंजाब में इस हवाले से बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही और लोग मुख्तलिफ किस्म के इसके आप मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़े मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे लगा रहे हैं कि ये दोनों सियासी जमातें जो बड़ी सियासी जमातें हैं ये कब तक इकट्ठी मिलकर चले और वो दिन कब आएगा वो दिन कौन सा होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अपनी राहें निकाल सकते हैं। तो इस हवाले से अगर जायज़ा लें खास तौर पर मंजूर वसान साहब की सुने जो कि आपको मालूम है कि पेशगोईयां करने में आप यदे दूल्हा रखते हैं और उन्होंने पीर पगारा मरहूम की जगह ले ली हुई है पेशगोईयां करने के हवाले से या फिर शेख रशीद साहब की जगह ले ली है तो उनका ये ख्याल था कि ये दो साल तक तो ये हुकूमत ठीक ठाक चलेगी फिर मसाइल तो गोया कि वो एक इंडिकेशन है कि दो साल तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की पालतू जमात बनकर उसके आगे आगे दौड़ती हुई नजर आएगी लेकिन जो ही दो साल मुकम्मल होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ये बार बार बात आ रही है कि मरकज़ में कोई वजारत नहीं लेना चाहते यहाँ पंजाब के अंदर सुना है तीन वजारतें जो हैं वो बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने जा रही है तो मरकज़ में इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि जिस किसी के पास भी हुकूमत साजी का इख्तियार हो उसे मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आधा फीकर और आधा बटेर जिसका से PDM में हुआ और उसके बाद वो अपनी जगह शर्मिंदा फिरते रहे नून लीग वाले अपनी जगह शर्मिंदा फिरते रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इनके यहाँ एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई हम में से जो कोई भी है मरकज़ में हुकूमत बनाता है वो वहाँ पर बिला शिरकत गहरे अपनी हुकूमत चलाए अपनी कैबिनेट बनाए और कोशिश करें कि आवाम के लिए वो रिलीफ और वो आसूदगी पैदा कर सके जिसकी आवाम को उनसे तवक्को है। तो इसीलिए हमने ये देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में जहाँ नहीं जा रही है वहीं पर नवाज शरीफ में भी जब सादा अक्सरियत नून लीग को हासिल नहीं हुई है तो वजारत जो उज़्मा है वो लेने से इनकार कर दिया और अपनी जगह पर अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को उन्होंने नामजद कर दिया। यही नहीं बल्कि दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ने भी इसके बावजूद के वो इस पोजीशन में थे कि अगर PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे लेकिन उन्होंने भी ऐसी मांगे तांगे की वज़ारत उज़्मा लेने से इनकार कर दिया है और उसकी बजाय उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब के लिए ऐवान सदर में उनकी मुश्त के अगले 5 साल के लिए वहाँ पर नशस्त मांगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है कि वो खास शहबाज शरीफ हों या बिलावल भुट्टो ज़रदारी दरअसल वो दोनों अपने अपने बड़ों को यानी इधर नवाज शरीफ और उधर आसिफ ज़रदारी उन दोनों को ये वन डाउन पैस और जब भी ज़रूरत पड़ेगी और जो प्लेयर्स टॉप के हैं या जो ओपनर्स हैं वो ओपन करने के लिए तैयार ना हो या रिटायर्ड हर्ट हो जाएं या उनको वो पोजिश जल्दी आउट हो जाएं तो फिर फौरी तौर पर वन डाउन आते हैं वो खां शहबाज शरीफ हों खां वो बिलावल भुट्टो हों और वो कोशिश करते हैं कि इस हवाले से कोई अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ने जो देखा 16 महीने में जो कुछ किया उसके नतज तो इन इंतबात में देख लिए हैं। अब देखते हैं कि आगे 5 साल या 2 साल या 3 साल या कुछ एक दोस्त तो कह रहे थे कि 6 महीने साल ही है इस दौरान जो कुछ शहबाज शरीफ कर पाते हैं उसके बाद नून लीग और यहाँ मरियम जो कुछ कर पाती हैं उसके बाद नून लीग का मुस्तकबिल पंजाब की हद तक क्या रहता है। पिछले इंतखाबात में बार बार कहा जा रहा था कि असल बैटल ग्राउंड जो है वो पंजाब होगा और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक हाकमियत है उसको चैलेंज किया जाएगा। और देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि वो इमरान खान के जेल जाने की वजह से उन्हें रिप्लेस कर देंगे लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आया। अब फिल वाकई जो पंजाब है
वो रियल बैटल ग्राउंड बन गया, असल बैटल फील्ड बना नजर आया। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दिया, और अक्सर इजला के अंदर, अक्सर नहीं बल्कि चंद एक अजला के अंदर जो सेंट्रल पंजाब के अजला थे वहाँ पर पूरी की पूरी जो कौमी असम्बली की सीटें थी वो उड़ा कर ले गया। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो कुछ शुरू हुआ मुशर्रफ के दौर से लेके, यानी 1999 के बाद पंजाब के अंदर जिस तरह से मुस्लिम लीग के लिए मुश्किल वक्त रहा, जिस तरह से यहाँ पर कभी डीए की शर्ट लगाकर जो सिक्का बंद सियासतदान थे उन्हें बाहर किया गया, तो कभी इस तरह से आंगरी के जरिए धरनों के जरिए मुस्लिम लीग नून को बहुत टफ टाइम मिलता रहा और उसके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा होता रहा। जो डाकू की बात होती रही, खाता है तो लगाता की बात होती रही, करप्शन की बात होती रही, प्लॉटोक्रेसी की बात होती रही, तो उन सब के नतीजे में आवाम का एक हिस्सा जो है वो ज़रूर अपनी राय तब्दील करने में वो मजबूर हुआ है। वगरना यहाँ पर समझा यह जाता था कि मुस्लिम लीग नून को कोई और पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज नहीं कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म बनते हैं और आसिफ जरदारी सिर्फ और सिर्फ सदर बनते हैं। यानी ये लोग वज़ीर आज़म बने या सदर ना बने, तब भी लोग इन्हें वज़ीर आज़म ही नवाज शरीफ को समझते हैं और जनाब जरदारी को सदर भी कहते हैं। तो एक एतबार से कहा जा सकता है कि सदर जरदारी इस मरतबा बनने से पहले ही सदर कहलाते हैं और इन्हें लोग नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर जानते हैं और जरदारी को सदर के तौर पर जानते हैं। आज आकर एक इमरान खान बचते हैं जो जब वज़ीर आज़म थे तब भी लोग उन्हें वज़ीर आज़म नहीं कहते, मुर्शद कहते। तो अब देखते हैं मुर्शद जो हैं वो जिस अरियाला जेल में पड़े हैं वहाँ नाकद कोके की बड़ी सजाएँ तो नज़र आती हैं, लेकिन नाकद कोके का क्या बनेगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सदर जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं, सदर जरदारी सदर बनने के अलावा कुछ नहीं बन सकते, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के अलावा कुछ नहीं बन सकते, इस पर इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि कोई बदनसीबी सी बदनसीबी कि आपके बारे में लोगों का तासुर है कि आप एक ही अहदे के काबिल हैं, उसके अलावा आप कुछ किसी अहदे के काबिल हैं। तो ये हमजा शहबाज वाला मामला भी कि चाहे तो उन्हें वज़ीर आला बना दें, चाहे तो उन्हें एम एल ए बना दें, चाहे तो उन्हें वज़ीर बना दें, चाहे तो उन्हें नैब की गिरफ्तारी में ले जाएँ, चाहे तो उनसे तकलीरें करा के उन्हें लीडर बनाने की कोशिश करें, चाहे तो उन्हें पीछे करके मरियम को आगे कर दें। तो ये जो मौज लगी हुई है ना हमजा शहबाज, इस किस्म की मौज नवाज शरीफ की हुई और जो मौज लगी हुई है बिलावल भुट्टो की कि चाहे तो वो चेयरमैन, चाहे तो शरीफ चेयरमैन, चाहे तो वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार, चाहे तो वज़ीर मुआवजा, चाहे तो वो पूरी पार्टी के इलेक्शन को लीड कर रहा है और सिंध का वज़ीर आला नहीं बन सकता है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब वो सदर बनकर रहते हैं। हाँ कोई हालात हों तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी सियासत सदर जरदारी के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी सियासत नवाज शरीफ के लिए भी अब पर्यंत पहुँच गई।